हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। एंड माइक्रोबायोलॉजी में गेट बायोटेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चंस आए थे उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड्स इन द माइक्रोबायोलॉजी, उस टॉपिक के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एसर्शन एंड रीजन, इस फॉर्मेट में उन्होंने क्वेश्चन पूछे। देखिए एसर्शन क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शोज स्टेनिंग विद द सैप्रेनिन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग विद द सैप्रेनिन। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रीजन क्या है, हैव आउटर मेम्ब्रेन विद द लिपोपॉलीसेकेराइड। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सैप्रेनिन से स्टेन होता है। एंड रीजन क्या दिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव आउटर मेम्ब्रेन विद द लिपोपॉलीसेकेराइड। सो सी, फर्स्ट हम ग्राम स्टेनिंग में क्या करते हैं, तो ये सेल वॉल के कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड क्रिस्टन्स ग्राम की उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक डिस्कवर की थी। फर्स्ट वो क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करते, देन एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन डाला जाता है तो क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ग्राम पॉजिटिव में। देन डीकलराइजर, अल्कोहल से डीकलराइज करते कि जो ग्राम पॉजिटिव क्रिस्टल वायलेट से स्टेन होते हैं क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर थिक होता है, बट ग्राम नेगेटिव उनमें डीकलराइजर से सारा स्टेन रिमूव हो जाता है, वॉश आउट होता है। एंड काउंटर स्टेन हम यूज करते हैं सैप्रेनिन कि जिससे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कि जो स्टेन हुए गए, अभी देखिए ग्राम पॉजिटिव के जो पर्पल एंड ग्राम पॉजिटिव जो पिंक कलर से स्टेन हो गए। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शो स्टेनिंग विद द सैप्रेनिन, दैट इज करेक्ट कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सैप्रेनिन से स्टेन होते हैं। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव आउटर मेम्ब्रेन विद लिपोपॉलीसेकेराइड्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर द ए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इसलिए वो स्टेन होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन फाइंड द इनकरेक्ट वन। अभी इनकरेक्ट में क्या पूछा है, कॉम्बिनेशन, फर्स्ट एफिनिटी मैचुरेशन। तो देखिए एफिनिटी मैचुरेशन आइसोटाइप स्विचिंग, तो एफिनिटी मैचुरेशन कभी भी आइसोटाइप स्विचिंग के लिए नहीं होता, तो हमें हाई एफिनिटी के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने होते हैं अगेंस्ट एंटीजन। अगर कंटिन्यूस सब्सिक्वेंट अगर एंटीजन एंट्री होती है, अगर एंटीजन बार बार एंटर करता है, तो बार बार एंटीजन एंटर करने के बाद हमारे एंटीबॉडी की एंटीजन के लिए एफिनिटी इंक्रीज होती है। तो जैसे एंटीजन की एफिनिटी इंक्रीज होगी, एंटीबॉडी की एफिनिटी इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज एफिनिटी मैचुरेशन। तो हम उन बी सेल्स को सिलेक्ट करते हैं जो बी सेल्स में हायर एफिनिटीज के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एफिनिटी मैचुरेशन। सो एफिनिटी मैचुरेशन आइसोटाइप स्विचिंग के लिए कभी भी यूज नहीं होता, वो हाई एफिनिटी के एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, एफिनिटी मैचुरेशन इज नॉट फॉर द आइसोटाइप स्विचिंग। सो इनकरेक्ट पूछा था, तो सी एंड डी इज करेक्ट। देन एनर्जी, एनर्जी रेफर्स टू, एनर्जी मीन्स व्हाट, एनर्जी मीन्स अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एंटीजेंस, तो इट इज अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एंटीजेंस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फेनॉल कोएफिशिएंट, तो फेनॉल कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट। तो फेनॉल कोएफिशिएंट इज द मेथड यूज्ड फॉर इवोल्यूटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का इफेक्टिवनेस देखने के लिए हम फेनॉल कोएफिशिएंट को यूज करते हैं। बेस्ट नोन डिसइंफेक्टेंट टेस्ट ऑर्गेनिज्म आइदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस और सेल्मोनेला टाल्फी आर यूज। तो देखिए हमें ऑर्गेनिज्म यूज पूछा था, तो हम फेनॉल कोएफिशिएंट में सेल्मोनेला टाल्फी को यूज करते हैं। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट फिफ्थ, मैच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप वन, ग्रुप वन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विद देयर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट इन ग्रुप टू, कि ग्रुप टू में जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। तो देखो फर्स्ट पी ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंट्रोइड्स डेक्सट्रेंड, सो ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंट्रोइड्स एंड द डेक्सट्रेन। देन क्यू राइजोपस ओरिजी फोर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, राइजोपस ओरिजी लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। देन आर ग्लूकोनोबैक्टर
सल्फ ऑक्सीडेंस ये सॉर्बी सॉर्बोज को प्रोड्यूस करता है, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसिस प्रोड्यूस द कोबेलामिन. सो देयरफॉर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो डी इज द करेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फर्मेंटेशन प्रोडक्ट. देन नेक्स्ट, नाउ द ग्रोथ मीडियम फॉर मैमिलियन सेल्स. मैमिलियन सेल्स के लिए जो ग्रोथ मीडियम है कंटेंट सीरम, तो उसमें सीरम होता है. वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ सीरम इज टू स्टिमुलेट सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जाता है एंड अटैचमेंट. हाउएवर इट मस्ट बी फिल्टर स्टरलाइज टू. तो ये फिल्टर स्टरलाइज क्यों किया जाता है, अभी वो ऑब्वियसली लिक्विड है तो हम फिल्टर स्टरलाइजेशन करते हैं, एंड इसीलिए कि मोस्टली हम हीट यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटीन्स डीनेचर होते हैं. तो सीरम को हम मेम्ब्रेन फिल्टर से स्टरलाइज करते हैं. अभी मेम्ब्रेन फिल्टर जो मोस्टली यूज होते हैं कि जो पोर साइज 0.5 टू 0.75 माइक्रोमीटर के होते हैं, कि इसके नीचे के ही जो भी स्मॉल साइज पार्टिकल्स हो सकते हैं वो पास हो सकते हैं, बट बैक्टीरिया कभी पास नहीं हो सकते क्योंकि बैक्टीरिया की साइज हायर होती है, जैसे 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर. एंड इसलिए इंपॉर्टेंट यही होता है कि रिमूव माइकोप्लाज्मा एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम दिस सस्पेंशन जो सीरम है, एंड इसलिए हम मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते. देयरफॉर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट, मैच द एंट्रीज इन द ग्रुप वन, ग्रुप वन में एंट्रीज विद देयर मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन इन ग्रुप टू. अभी कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है कि कौन से मीडियम को हम कैसे स्टरलाइज करते. अभी देखिए सीरम है तो अभी हमने डिस्कस किया सीरम विच इज स्टरलाइज बाय द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. तो बार बार यही क्वेश्चन आया, देखो दो बार आया सीरम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से स्टरलाइज करते. ल्यूरिया ब्रॉथ इट इज स्टरलाइज बाय द ऑटोक्लेव, करेक्ट. देन पॉलीप्रोपिलिन ट्यूब्स ये स्टरलाइज किए जाते हैं गामा इरेडिकेशन, एंड बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स दे आर स्टरलाइज बाय द यूवी इरेडिकेशन. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. देन मैच द सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर इन द ग्रुप वन विद देयर ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप टू. तो सेल स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनिजम्स. तो देखिए यहाँ पे P4 के जो एंडोस्पोर्स है क्लॉस्ट्रिडियम, देन बाइपोलर फ्लाजेला स्पाइरलम, देन स्यूडोम्यूरिन इन सेल वॉल, मिथेनोबैक्टीरियम एंड द पेरीप्लाज्मिक फ्लाजेला ट्रिपेनोमा. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. देन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होते हैं. इलेक्ट्रॉन ओपेसिटी ग्रेटली एनहांस बाय ट्रीटिंग द स्पेसिमेन विद, तो इलेक्ट्रॉन की ओपेसिटी बढ़ाई जाती है, एंड इसलिए यूज किया जाता है यूरेनियम एसिटेट इन द टेम. तो ये आपको याद ही रखना है, इंफॉर्मेटिव है, यूरेनियम एसिटेट इज यूज्ड. देन नेक्स्ट, मैच द एंट्रीज इन द ग्रुप वन विद द मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन इन ग्रुप टू. अभी सेम क्वेश्चन है, सो सीरम की जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से हम स्टरलाइज करते, सेकेंड ल्यूरिया ब्रॉथ ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते, पॉलीप्रोपिलिन ट्यूब्स गामा रेडिकेशन से स्टरलाइज करते, एंड बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स यूवी रेडिएशन से स्टरलाइज करते. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज द, सो यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि जो इस टॉपिक से पूछे गए थे माइक्रोबायोलॉजी से. सो थैंक यू.